नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि के मामले को हैंडल किया, उसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही। मुख्यमंत्री ने तत्काल ही जैसे ही वीडियो देखा, आरोपी पर NSA सहित कई धाराओं में कड़ी कार्रवाई की बात कही, घर पर बुलडोजर भी चलाने का फरमान सुना डाला। दूसरी ओर पीड़ित को तत्काल ही भोपाल बुलवाया, उसके चरण धोए, उसका साल श्रीफल से सम्मान किया और कहा, बुलडोजर नहीं, जरूरत पड़ी तो अपराधी को 10 फट नीचे जमीन के नीचे गाड़ भी दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज के तेवर काफी कड़े नजर आए इस मामले में। हालांकि ये उनके ही पार्टी के विधायक सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि का मामला था, लेकिन उसके खिलाफ NSA सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई। जिस तरीके से ये वीडियो वायर हुआ है उसको देखकर जिसने भी देखा, पहली नज़र में उसके दिमाग में कोई भी प्रतिक्रिया समझ में ही नहीं आई, उसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। धीरे धीरे जब बात समझ में आई तो लोगों के पास इसकी प्रतिक्रिया केवल और केवल यही थी, इस तरीके का अमानवीय कृत्य माफी योग्य नहीं होता। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिलता है, वजीफा मिलता है, बहुत कोई परेशानी घर में कुछ भी होती मुझे बताना, क्या क्या करते हैं आप? पल्लेदारी मंडी में, हाँ कुबेरी में, कुबेरी में मंडी है, वो ढोने का काम करते, लाने ले जाओ। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, मैं माफी चाहता हूँ, ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे, अपना नाश्ता करिए। चलो बच्चे, ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।